नन्ही मुन्नी बहनों से सरहद पर खड़े देश की रक्षा करने वाले भाइयों की कलाई के लिए राखी भेजी गई है। गांव के साथ मंगलीपुरवा स्थित श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल में बच्चियों द्वारा सरहद पर तैनात जवानों के लिए रंग बिरंगी राखी बनाई गई। देश की सुरक्षा के लिए सरहदों पर तैनात लाखों जवानों को इस त्योहार पर अपने परिवार से दूर रहना होता है। ऐसे में इन जवानों के लिए हमारे विद्यालय के छात्राओं ने रंग बिरंगी राखियां अपने हाथों से तैयार की है और सभी छात्राओं का कहना है कि हम सीमा पर पहरा दे रहे जवानों के लिए राखी बना रहे हैं क्योंकि अपने घरों से दूर रहकर सभी जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन इस उद्देश्य पर किया गया ताकि हर जवान के हाथों में राखियाँ सजे। विद्यालय के संस्थापक अखिलेश सिंह ने बताया है कि बच्चों ने बड़ी ही श्रद्धा और बॉर्डर पर तैनात हमारे देश की सेवा कर रहे जवानों के लिए राखियां बनाई है। रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए बहन ईश्वर से भाई की सुरक्षा व उन्नति की कामना करती है। इस मौके पर राखियां बनाने वाली सभी नन्ही मुन्नी बच्चों को पुरस्कार देकर उनका हौसला भी अफजाई किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य लक्ष्मी देवी, शिक्षिका रेखा रानी, आरती मिश्रा, सानिया गुप्ता, पीना गुप्ता, मंशा वाजपेयी, आरती वर्मा, पति प्रज्ञा तिवारी, सोनी तिवारी, पूजा सिंह आदि मौजूद रही। शिक्षिका कविता गुप्ता, अर्पिता सिंह व विनिता शुक्ला का सराहनीय सहयोग रहा। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम जिज्ञासा सिंह है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय में हमारे देश की रक्षा करने के लिए सरहद पर खड़े फौजी भाइयों के लिए राखी बनवाई गई थी, जिसमें हम सभी बच्चों ने तिरंगा वाली राखी बनाई। तिरंगा वाली राखी बनाने का यह मतलब है कि जब बहन भाई की राखी बांधती है तो भाई बहन की रक्षा करता है। जब हम तिरंगे वाली राखी अपने फौजी भाइयों को बांधेंगे तो बहन की तो रक्षा वो करेंगे, साथ में हमारे देश की आन बान शान तिरंगा की भी रक्षा करेंगे। हमारे फौजी भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।